देखो ना बोर्ड का, ठीक है बोर्ड का पोजीशन भी सही नहीं। सेकंड रूल, सेकंड रूल बोलो, सेकंड रूल ठीक। चलो मन मन से पहले समझो सेकंड रूल क्या कहता है। वो सेकंड रूल मेरा क्या कहता है सर, कि मान लो बाबू अगर ये मेरा क्या कनकेव मिरर है, ठीक है सर, क्या बाबू कनकेव मिरर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा ठीक। पहले देखो चार को केस लेंगे, एक बार रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे, टॉर्च को ऐसे जलाएंगे, कैसे के जलाएंगे सेतन, टॉर्च को इस तरह से ऑन करेंगे बाबू, टॉर्च को इस तरह से ऑन करेंगे है ना, इस तरह से ऑन करेंगे बाबू है ना, तो यहाँ पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। अब हम क्या करें सर, अब हम क्या करें, वो टॉर्च को ऐसे रख रहे हैं, अभी जो भी रे ऑफ लाइट है बाबू, रे ऑफ लाइट जो भी है बाबू, अभी हम फोकस से पास करवा रहे हैं, कहाँ से पास करवा रहे हैं बाबू, फोकस से पास करवा रहे हैं। रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास करवा रहे हैं, फोकस से पास करवा रहे हैं, फोकस से पास करवा रहे हैं ना, फोकस से पास करवा रहे हैं ठीक। तो रिफ्लेक्शन के बाद बाबू रे ऑफ लाइट जब फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे होगा, कैसे होगा, वही रूल का था। तो रे ऑफ लाइट को अगर फोकस से पास करवा, डायरेक्ट यहाँ से क्या निकला सर, टॉर्च लाइट आया सर, ठीक है सर, यहाँ मिरर पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा ठीक है। तो मिरर पे जब इंसिडेंट हुआ, मिरर पे इंसिडेंट हुआ तो अब इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इस पॉइंट से अगर बाबू मिरर से ऐसे मान लो यहाँ पे मिरर रखो तो रिफ्लेक्शन होकर कहाँ जाएंगे, तो अगर फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होकर प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेकंड रूल ये कहता है, पहला रूल क्या कहता है कि अगर बाबू रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे पास करेगा, फोकस। नारायण कॉल क्यों कर रहा है, वो आवाज नहीं जा रहा सोम्या सर, आ तो रहा है। तो नारायण कॉल का अलग कर, नारायण कॉल का अलग कर रहा है, क्या हो गया उसको, गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग बाबा, हमारे नारायण का प्रॉब्लम हो रहा है, आदित्य नारायण। क्या हो गया सर, आस्क टू अनम्यूट, उसको प्रॉब्लम में होते रहता आज का क्लास बाबू। चलो ठीक है, कम से कम चारों रूल खत्म करवाओ, कम से कम एटलीस्ट चारों बोर्ड का पोजीशन से। देखो सेकंड रूल मेरा क्या कहता है, वो कि अगर रे ऑफ लाइट को फोकस से अगर पास करवाओ, फोकस से पास करवाओ ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। सेकंड रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल क्या बाबू, अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल इंसिडेंट करवा रहे हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा है ना। तो लिखे थे बाबू सेकंड रूल, हम लोग लिखते हैं बाबू ठीक है, सेकंड रूल लिखे बाबू ठीक है बाबू, लिखो द इंसिडेंट रे, फिगर भी पारेगा। हाँ शैतान, हर एक में फिगर, बिना बाबू लाइट चैप्टर बिना फिगर का संभव है नहीं, फिगर का संभव है नहीं, समझ ही में नहीं आएगा। द इंसिडेंट रे बाबू, द इंसिडेंट रे बाबू, विच इज, विच बाबू डायरेक्टेड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, टुवर्ड्स, विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर। पीयूष बाबू समझ में आता है, पीयूष, ये पीयूष समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू, विल इमर्ज, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू, विल इमर्ज, विल इमर्ज बाबू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे इमर्ज होगा बाबू, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड रूल यही कहता, ये रे डायग्राम का चार चार रूल है, चारों का चारों याद रखना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लिखो बाबू ट्राइपॉड ऐसे कैसे होल से काम करेगा, लिखे जल्दी से, चलो अब थोड़ा ठीक है, फेस टू फेस है। सर कल टेस्ट होगा सर, नहीं जाओगे सर, कल टेस्ट होगा सर,
बैच सी में नहीं जाओगे बाबू स्कूल? नो सर, जाएंगे सर। हाँ तो फिर तो हो गया सर, तो 10 बजे के बाद से ले लीजिएगा। तो 10 बजे के बाद ओम शर्मा नहीं जाता है सर, संडे को छोड़ दीजिए मैं सर। क्या बोल रहे बाबू? नहीं सर, ले लीजिएगा सर, कल छुट्टी दे दीजिए ना सर, छुट्टी दे दीजिए। पढ़ो पहले पढ़ो, देखो तीसरा रूल क्या कहता, बैच बी का तो टेस्ट हो गया करेगा, बैच बी का तो टेस्ट हो गया करेगा, ठीक है ना? सी काम वाला एक का मत दीजिए प्लीज। ए का तो फिक्स है बाबू, ए में तो कुछ नहीं है, वो तो 5 से 5:30 बजे होना ही होना है सर। सर एक दिन भी आप देते नहीं है सर। नहीं छोटा छोटी नहीं बाबू, छोटा छोटी नहीं, कुछ नहीं हो सब, ठीक है। रूल नंबर थर्ड बाबू, रूल नंबर थर्ड। थर्ड क्या कहता है? ज्यादा हार्ड मत दीजिएगा, ठीक है ना? हार्ड सब एलकेजी का क्वेश्चन आता है, ठीक है सर, सभी जी। ठीक है, ठीक है बाबू। देखो थर्ड रूल क्या कहता है बाबू, की अगर रे ऑफ लाइट को बाबू कैसे कराओ, पहला केस सर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, ठीक। दूसरा सर हम लोग रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवाए तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, ठीक। थर्ड रे मेरा क्या कहता है वो, कि अगर रे ऑफ लाइट को सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर डायरेक्ट पास हो रहा है, यहाँ पे क्या है मिरर रखा हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हुआ हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी पाथ को ट्रेस करेगा, इसी पाथ को क्या करेगा, वो ट्रेस करेगा, ठीक है ना? मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास हो रहा हो तो रिटर्न भी हो जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा, और मतलब रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को ट्रेस करेगा, है ना? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फोकस बन जाएगा। फोकस नहीं बनेगा बाबू, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट को पास करवा रहा है, सदान पास करवा रहा है, फोकस अलग चीज है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग चीज है, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाबू रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक सर, ये कहाँ हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा सर, तो इसी पाथ से बाबू रिटर्न हो जाएगा, इसी पाथ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, इसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। थर्ड रूल यही कहता है, थर्ड रूल यही कहता है, ठीक है ना बाबू। द इंसिडेंट रे बाबू, द इंसिडेंट रे, ये सब सिक्स का चीज है, ठीक है ना, 5-6 का है, 9-10 में दूसरा चीज पढ़ना है। द इंसिडेंट रे कमिंग, द इंसिडेंट रे बाबू कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू रिट्रेस इट्स पाथ, क्या करेगा, रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मतलब उसी पाथ से क्या होगा, वो लौट जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगा, फोकस से पास होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, और रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो बाबू पास कहां से करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। एक रूल आ गया, जल्दी से लिखो पीयूष, थोड़ा बहुत समझ में आता बाबू? सर पूरा आ रहा है, पूरा रहा बाबू। तो आपके फ्रेंड सब कैसे आएंगे, शैतान कब आवे नवादा, मन कल तो पटना निकलना है, उसको जाकर पिटना है उस कर्ज को, नवादा कब आवे बाबू? फिर मेरे यहाँ भी आइएगा सर। नहीं बाबू कल बाहर नहीं, पटना निकलेंगे, बैच डी वाला स्टूडेंट चार को वहां, फिर एक दिन राजगीर जाना है, और एक दिन उसको पीयूष को पिटने जाना, नवादा जाना। जल्दी से लिखो बाबू। सर आप सबको पिटते ही चलते हैं। हाँ बाबू, आपको कहे ना बाबू, स्कूल नहीं है, आपको एक अच्छे जगह पे आया हो, ठीक है ना, पढ़ाना है, मन से पढ़ाना है, आप लोग बच्चे खाली शक्ल के भाग भोले होते हैं, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, स्कूल में देख क्या होता है, पीछे जाकर नींद आ रहा, कोई देखने वाला नहीं, हम ही जाते तो नहीं देखते हैं, हम दूसरा को क्यों कहेंगे। नेक्स्ट बाबू देखो ना, अंशुजीत का वीडियो बंद है, चारों का चारों रूल याद होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू, रूल नंबर फोर
देखो सब चीज सही रहा तो होली में आएंगे उड़ीसा, ठीक है ना, तब रिप्लानिंग ये सबको धोने का, अभी तो छड़ी लेके जाएंगे सर। होली में आइएगा सर। हाँ बाबू, तो टाइम मेरे पास वही ना बाबू, होली दुर्गा पूजा, होली या दुर्गा पूजा, बस यही तो दो टाइम में सर। होली फिर घर में भी गाली पड़ेगा, अब भी गाली दीजिएगा। हाँ बाबू, तो फेस्टिवल आप लोग के लिए थोड़े, हम नहीं मनाएंगे, आप लोग भी नहीं मनाओ, मेरा तो फेस्टिवल ट्रेन पे ही होता है। फोर्थ नंबर रूल, तो मेरे पास टाइम नहीं बाबू, उसके बाद सिवा टाइम कब है। होली में बाबू दो दिन सर घर में छुट्टी में आ जाइएगा ना, फिर जल्दी हो जाएगा ना, फिर दुर्गा पूजा फिर नजदीक आ जाता है ना, गर्मी की छुट्टी आते आते हैं। आप लोग के चक्कर में रहेंगे बाबू, तो हो गया पढ़ाना मेरा, ठीक है। रूल नंबर देखो, फोर क्या कहता बाबू, फोर क्या कहता रूल नंबर फोर क्या कहता, देखो समझो, हम लोग क्या लेंगे बाबू, कनकेव में हर एक में डायग्राम बनाना, खाली लिटरेचर लिखो भी जिंदगी में कभी नहीं पता चलेगा, जैसे बनाए उसी तरह से बनाना है, ठीक है। एक हम लोग क्या लेंगे बाबू, कनकेव मिरर लेंगे, ठीक सर, ले लिए सर। तो कनकेव मिरर का जो मिडिल पोर्शन होगा उसका हम लोग क्या कहेंगे सर, पोल कहेंगे, कह दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पोल कहेंगे। ये क्या हो गया शैतान, पोल हो गया, ठीक। यहाँ से बाबू पोल आया, इसका इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, तो ये सी हो गया सर। पीसी को मिलाओ बाबू फ्री हैंड से, है ना, ठीक है सर। यहाँ से बाबू एक लाइन इसको पास करवा दो, ये पास करवा दो, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये लंबा सा लाइन क्या हो गया बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। क्लियर दिख रहा है ना बाबू, क्लियर तो दिख रहा है। ओम शर्मा, यस सर दिख रहा है। हाँ बाबू, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक। अगर आप देखो पहला केस में हमने क्या किया सर, रे ऑफ लाइट को बाबू, देखो रे ऑफ लाइट को शांति से सुनो, रे ऑफ लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करवाया, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया। सेकंड केस में हमने क्या लिया सर, कि रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवाया तो रिफ्लेक्ट किया बाबू, रिफ्लेक्ट हुआ तो पैरेलल हो गया। थर्ड केस में हमने क्या लिया सर, कि रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओ तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को क्या किया, ट्रेस किया। फोर्थ केस क्या बाबू, अगर रे ऑफ लाइट को बाबू यहाँ पोल पे इंसिडेंट करवाओ, मतलब बाबू यहाँ से रे ऑफ लाइट चला सर, यहाँ से चला सर, अब पोल पे इंसिडेंट हुआ, इधर से रे ऑफ लाइट चला बाबू, कहाँ इंसिडेंट हुआ, पोल पे इंसिडेंट हुआ, पोल पे इंसिडेंट हुआ ना, पोल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक ठीक। तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे होगा, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगा, जिस एंगल से इंसिडेंट होगा, जितना एंगल होगा उतना ही एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उतना ही एंगल से क्या करेगा बाबू, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। तो अगर पोल से, अगर बाबू पोल से रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करवा रहे बाबू, तो उतना ही एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यही चार वो नियम है कनकेव मिरर, बस और कुछ नहीं, यही चार नियम है ना बाबू, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखते बाबू, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट, हाँ जितना एंगल से, मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट करवा, यहाँ से इंसिडेंट करवा, तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है अंशुजीत। डाउट होता देखो, हाँ डाउट होता तो पूछिए, उससे आपत्ति नहीं है, बीच बीच में टोहकते रहते हो ना तब गुस्सा आता। द इंसिडेंट रे बाबू, द इंसिडेंट रे, लिखो लिखो शैतान, द इंसिडेंट रे बाबू स्ट्राइकिंग, द इंसिडेंट रे बाबू स्ट्राइकिंग एट पोल बाबू बाय अ सर्टेन एंगल, बाय सर्टेन एंगल बाबू is reflected by bo, reflected through bo, same angle से क्या होगा, reflect हो जाएगा। देखो शैतान इंक डालते हैं, तो स्कूल जाते हो पियो सर, कभी नहीं जा रहे बाबू, जाते हैं सर, जाते हो, ठीक है बहुत, दो चार को के पकड़ के लाओ, लिंक दे दो, कहो कि क्लास अटेंड करो, पैसा बाद में देना सर, हम लोग चार पांच को पकड़ के लाएंगे, आप हम लोगों को बैच और बैच बी का छुट्टी दीजिए, नहीं लाओ, ठीक है ना शैतान, छुट्टी तो ना सर, मैं 10 बच्चा ले आऊंगी सर, आप फिर बैच और बैच में से छुट्टी दे दीजिए, आप बड़े हैं अभी नहीं सर, आप हमसे दूसरा चीज मांग, फिर पक्का सर मैं 10 स्टूडेंट ले आऊंगी सर, एकदम सर गारंटी। अच्छा सर क्या बोल रहे थे आप, हमसे कुछ भी मांगो, क्या बोल रहे थे सर, फिर से बोलिए, आप हमसे दूसरा चीज मांग लो, छुट्टी मत मांगो। हाँ सर, सर हम आपसे मांगना चाहते हैं
नहीं सर, नहीं सर, हम बच्चा पकड़ के लाएंगे, आप छुट्टी दीजिएगा सर, पर बच्चा पे एक दिन छुट्टी सर। नहीं वो छुट्टी नहीं, चलो ठीक है, पहले बच्चा ला देंगे ना। सुपर थर्टी मूवी दिखाइए सर संडे को कल। हाँ सर, हाँ सर, सुपर थर्टी दिखा दीजिए सर, चाहिए। अरे कल बाबू देखो उसको निकालना, दो तीन मुझे पीटने के लिए निकालना, संडे शाम को दिखा दीजिएगा ना, शाम को दिखा दीजिएगा। अरे तो 100 किलोमीटर यहाँ से, हमको 100-125 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो नहीं आ पाएंगे शाम तक, रात 9-10 बज जाएगा। आते आते बगल में लोकल में पिछला संडे को विजिट कर लिए, जो लोकल है 5-10 किलोमीटर के अंदर है, और जो 100 किलोमीटर के अंदर, तो उसके यहाँ टाइम लगता है, जल्दी से लिखो सर। तो नेक्स्ट वीक दिखाइएगा ना। अच्छा पहले स्टूडेंट ला, उसके बाद नेक्स्ट वीक देखा जाएगा, ठीक है सर। हम लोग नहीं, तो सर हम लोग नहीं लाएंगे ना सर, क्या वो बढ़ेगा भी नहीं सर? नहीं सर, हम लोग स्टूडेंट लाएंगे ना सर, तो फिर सर आप ना हम लोगों को विजिटिंग करने ना सर, सिर्फ ना साल के एक बार सर गर्मी छुट्टी में आइएगा बस। हां सर सोचेंगे, ठीक है। देखो आपको 4 रुपए पहले याद होना चाहिए, ठीक है ना, बात मत करना। अगर हम लोग स्टूडेंट दे दिए और मान लो आप अपना बात से पलट गए तो आज छोड़ो सैतान, पहले पढ़ो बात से पलट। ऑनलाइन पेपर बना दूंगा, आप साइन कर दीजिएगा, ऑनलाइन साइन कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ते हो। अब बाबू चारों रूल को एक बार रिवाइज कर लो, देखो चारों रूल को क्या करो, रिवाइज कर लो। देखो क्या है सर, इसको याद रखना, इसलिए बार बार जोर डालना बाबू की आगे इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे ना, मतलब हम अपना फोटो देखेंगे ना कन के मिरर में सर, तो कैसे कैसे उल्टा दिखाई देगा सर, है ना। जैसे आप अपना फोटो दादी में, दादी का देखना, तो दादी का सिर नीचे दिखाई देगा कन के मिरर में, पैर दादी का ऊपर दिखाई देगा, है ना, वो दादी आपके उल्टा हो जाएगी, है ना, तो उल्टा हो जाएगी सैतान। तो इसके लिए पहले रूल रेगुलेशन है, तो कैसे पहले रे डायग्राम आना चाहिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है, सियोना हो बाबू कि बच रही हो, सियोना कहाँ गए हमारी सियोना? सर हाँ बाबू ठीक है, तो बताओ सियोना, ये कनकेव मिरर है, नहीं बताए तो मारेंगे बहुत मार। सर देखिए अनम्यूट नहीं होता, आदित्य सर लिखा है। अच्छा ठीक है बाबू, रहने दो, पता नहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। ये बाबू क्या हो गया, पोल हो गया। तो बाबू प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा सियोना? सर बनाए इसको, नहीं सर बनाना नहीं, हाँ ये कहां से पास करेगा बाबू, फोकस से। पहला रूल यही कहता, पहला रूल क्या कहता बाबू, यही कहता कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां पास करेगा, फोकस से। सेकंड बाबू बता पीयूष, अगर रे ऑफ लाइट बाबू, पीयूष सर बाबू अगर फोकस पे इंसिडेंट करा, टॉर्च को बाबू फोकस, यहाँ फोकस से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा, तो रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे, कैसे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, कैसे जाएगा पीयूष? सीधा सर, सीधा अपने लैंग्वेज बोलिए बाबू, संस्कारी हो ना, पढ़े लिखे हो ना बाबू, सीधा तो सीधा सीधा ही, इसको सीधा नहीं कहोगे लो, सीधा हो गया सर। अरे सर पैरेलल सर, इवरेंज कैसे जाएगा, पैरेलल किसके, पैरेलल किसके, पैरेलल पते नहीं है, पते नहीं है वो, देखो पोल का पता, पोल यहाँ पे है, तो इसके पर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस टू थ्री रे समझ में आया सर, हद करते बाबू, अभी बोले समझ में आया था, हम कितना आदम से नातान के बोला, हाँ सर समझ में आ गया, फिर जब पूछने लगे तो शुरू हो गया। पीयूष बाबू पहला हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट बाबू अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का तो फोकस से पास करेगा। सेकंड हमने क्या किया, कि रे ऑफ लाइट को बाबू टॉर्च है ना बाबू, यहाँ कनकेव मिरर ऐसे करके, और यहाँ पे क्या रखो, टॉर्च को ऐसे इंसिडेंट करवा, अरे रे ऑफ लाइट को तो इंसिडेंट है तो करवाना, ऐसे इंसिडेंट करवाओ, ठीक। तो फोकस से अगर इंसिडेंट हो रहा बाबू तो इस मिरर पे आएगा, मिरर पे आएगा तो मिरर के आने के बाद कैसे होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएंगे, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा ना, होता इधर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, सेकंड रूल यही कहता है, समझा पीयूष? यस सर, हाँ बाबू समझ गया, फिर पूछेंगे भुला जाएगा। बताओ अंशुजीत, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पे इंसिडेंट करवा रहे हैं बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवा रहे हैं तो कैसे पता जाएगा अंशुजीत? देखो नहीं जान जानता अंशुजीत, बताओ सौम्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा सर? वो सर सर बाहर, ये सर फोकस पे जाएगा। हाँ मेरे लाल, बाहर मेरे सर, लाल सर, सर फिर से सर, पीछे जाएगा। बोले हाँ बोलो प्रकाश से सर, इंसिडेंट रे से चला जाएगा वापस, अरे रिट्रेस करेगा इसी पाथ से बाबू, इस पाथ से आए तो इसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। वही तो सर,
वही वही बोल रही है सर। मैं सर एक बार में सर कंफ्यूज हो गई सर, उसके बाद बोले कि फिर से उसी बात पे जाएगा। अच्छा एक बार में कंफ्यूज हो गई तो एग्जाम में एक क्या चांस मिलता सर, हम गलत बोले थे ना वो। ठीक है ठीक है वो, अगर रे ऑफ लाइट वो पोल पे इंसिडेंट करवा रहे, किसी एंगल से पोल पे इंसिडेंट करवा रहे, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा? कौन बच गया? आनंद बताओ, आनंद बताए, संजना बाबू, आनंद ने संजना बता बाबू, अगर बाबू इंसिडेंट पोल पे इंसिडेंट करवा रहे तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा सर? वो सर उसी सेम एंगल से सर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस एंगल से आया सर। हाँ जिस एंगल से आया बाबू, मान लो ये 30 डिग्री से आया बाबू, मान लो अगर ये 30 डिग्री से आएगा तो 30 डिग्री से यहाँ से बनाते हुए आपका इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये चारों रूल बाबू आपको याद रखना है, आगे इसका इमेज फॉर्मेशन कल पढ़ाएंगे बाबू। क्या बाबू? सॉरी सर, सर वो नेचर अभी नेचर, अभी बाबू पहले ये रेड डायग्राम आना चाहिए ड्रा करने का, तो फिर कल नेचर अपोजिशन बताएंगे, ठीक है ना? 6 केस आएगा उसमें, आधा अधूरा कंसेप्ट रखता है। ठीक है बाबू।